भितरकनिका नेशनल पार्क को लेकर है पूछा गया। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में बताएं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क है। इट ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट इन 2002, 2002 में इसे रामसर साइट का स्टेटस मिला था। इट होस्ट मेनी मैनग्रोव स्पीसीज एंड इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा मैनग्रोव इकोसिस्टम है वो इसके अंदर लोकेट करता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो कल जो रात को 9 बजे न्यूज करी थी वहां पे मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है वो विजिट उन्होंने किया था भितरकनिका नेशनल पार्क में और कहा कि यहाँ पे टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करी जा सकती है और टूरिज्म का एक्सपोजर जो है वो यहाँ पे लोगों को दिया जा सकता है। भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो यस, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क, तो पहली स्टेटमेंट आपकी अपने आप में ही करेक्ट हो जाती है। और वैसे भी ये स्टेटमेंट अलग से भी पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क कौन सा है, और नीचे चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं। रामसर साइट है, 2002 में इसको ये स्टेटस दिया गया था, ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर ठीक हो जाती है। हाउएवर, जब हम मैनग्रोव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में जो चीज आती है वो है सुंदरबंस, और सुंदरबंस के बाद सेकंड रैंक जो आता है वो है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क का, ठीक है। सो इट होस्ट मेनी मैनग्रोव स्पीसीज, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इज द लार्जेस्ट, नो इट इज नॉट द लार्जेस्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया आफ्टर व्हाट, आफ्टर सुंदरबन मैनग्रोव। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार मैप पे देख लीजिए इसे कहां पर लोकेट करता है। सो दिस इज द लोकेशन, मैप के ऊपर ध्यान रखिएगा।